भाई ये जा रही है फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन जो दिल्ली से खुलती है अलग अलग रेलवे स्टेशनों से। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेन में ना भीड़ बहुत ही कम होते हैं। जो भी मतलब क्राउड होती है, भीड़ होती है, वो एक्चुअली जो पटना की फेमस बिहार जाने वाली फेमस ट्रेन है उसमें भीड़ हो जाती है। और ये ट्रेन आज आप देख सकते हैं खाली जाती है छठ पूजा की वजह से। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली जा रहे हैं, मतलब ये पूरा मतलब जनरल होते हैं, मतलब सेकंड क्लास की बोगी होती है। देखो बिल्कुल ही खाली है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं इसमें। ऐसे लग रहे हैं ना जैसे रिजर्वेशन वाले नहीं होते, वैसे जनरल बैठ के जा रहे हैं सीट बाय सीट। और उस और देखा जाए अगर बिहार संपर्क क्रांति हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गया, उसमें तो भाई बिल्कुल ही जगह नहीं मिलेगा और इतना भरा रहता है रिजर्वेशन कि उसका हाल जनरल जैसे हो जाता है। अगर इस ट्रेन की बात करें तो देख सकते हो ये पूरा जनरल है और सब रिजर्वेशन की तरह बैठ के जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अंदर से खाली है भाई, बिल्कुल ठसम ठस भीड़ नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा फेस्टिवल एक्सप्रेशन से ही आप गांव जाए। अगर आपको छठ पूजा में जाना है, भीड़ में से बचना चाहते हो, तो आपके लिए ये ट्रेन मतलब बहुत ही बढ़िया। आप देख लेना आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के लिए कौन सी ट्रेन यहाँ से दिल्ली से जाती है, तो आप वो ट्रेन लेके और जाना, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एक छोटा सा अपडेट था ट्रेन की रिगार्डिंग, तो मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो।